नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है ASM क्लासेस के YouTube ऑनलाइन मंच पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल मंगल होंगे। अभी तक हम लोग टोटल 4 पार्ट गणित के कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने वहां पर जाकर के देखा होगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ASM क्लासेस के YouTube ऑनलाइन मंच पर। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले सेशन का लिंक आप सभी लोगों को ऊपर आई बटन में जाकर के मिल जाएगा। वेलकम टू ऑल डियर फ्रेंड्स, टुडे लाइव सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ, आप सभी लोग आज के लाइव सेशन के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ जितना ज्यादा हो सके सभी लोगों तक पहुंच पाए, लाइव सेशन को सफल बना पाए। तो रहा मेरा प्रश्न आप सभी लोगों से, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, रिक्त स्थान, और लास्ट में दिया गया है 1-1/50 हो तो इक्वल क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सीरीज को सॉल्व करना है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। आशा करता हूं आप इसे बना पाएंगे और इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो समय आपका प्रारंभ होता है, देखते हैं आपके जवाब। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो जहां आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है वहां पर यहां IMP लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न आपके लिए सोल्व हो जाए और आराम से इस प्रश्न को आप बना पाए, है ना। तो देखिएगा किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले दिया गया है 1-1/2। यदि मैं इसे सोल्व करूंगा तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा हमारा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू का साइन। इसे सोल्व करूंगा 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3, 3 और 1 4/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/4 हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2, है ना, कितना बचेगा दोस्तों, 1/2। यहां 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2/3, 2/3 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। फिर मैंने इंटू का साइन लगाया, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। फिर इंटू का साइन 5 एकम 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5। यदि मैं आगे भी इसे ऐसे ही करूंगा तो देखिएगा यहाँ 2 का 1, है ना, यहाँ 2 का कितना हुआ, 1, 3 का 2 हुआ, 4 का 3 हुआ, 5 का 4 हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे क्या होगा, 6 का 5 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आगे भी श्रृंखला चलती रहेगी। अब हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यदि हम इसे काटना चाहेंगे और आगे यदि जाएंगे ना, आगे यदि जाएंगे तो ये हमारा क्या बन करके तैयार हो जाएगा, 500 एकम 500, 500 में से 1 चला जाएगा, 499, 2/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कितना कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आगे भी इसी प्रकार 6 से 6 कट जाएगा। यहां पर 499 होगा तो 499 से क्या कट जाएगा दोस्तों, 499 कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल कर के आएगा, 1/500, और 1/500 आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों का यही जवाब होगा। हो गया ना आसान। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न को बनाना सीखिएगा। इसी प्रकार हम शून्य से लेकर के शिखर तक हर प्रश्न को सोल्व करते जाएंगे। तो 1/50 दिए गए प्रश्न का सही जवाब था, सही जवाब होगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा काफी अच्छे तरीके से। चलिए लेकर के चलता हूँ आपको अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपके जवाब। चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा आप सभी लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पिछला प्रश्न किया, है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पिछला प्रश्न किया। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो डियर फ्रेंड्स क्या निकल कर क्या आएगा, देखिएगा। यदि हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, आपका समय प्रारंभ होता है, आप मुझे जवाब देकर के बताइएगा कि दिए गए प्रश्न का क्या जवाब होगा, है ना, दिए गए प्रश्न का क्या जवाब होगा। यदि देखिएगा मैं इसे सोल्व करूंगा तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 1 गया, 5/5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 5/5 कितना हो गया, 3, यहाँ हो जाएगा इंटू का साइन। फिर 5 × 2 = 10, 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/5 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ इंटू का साइन लगाया, 7 × 2 = 14, 14 में से 5 गए तो प्यारे दोस्तों कितना बचेगा, देखिए 7 × 2 = 14, 14 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9/7, कितना बचेगा, 9/7। फिर मैंने इंटू का साइन लगाया, 9 × 2 = 18, 18 में से 7 गया तो कितना बचा दोस्तों, 11/9 बच जाएगा।
इसी प्रकार हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, तो पहले आप इसे सोल्व मत कीजिएगा ना, पहले आप इसे सोल्व मत कीजिएगा, पहले हम यहाँ से काटना सीख लेते हैं ना। देखिएगा, पांच से पांच कट गया, सात से सात कट गया, नौ से नौ कट गया, आगे ग्यारह से ग्यारह कट जाएगा, फिर बारह से बारह कट जाएगा, इसी प्रकार तेरह से तेरह कट जाएगा। तो हम ऐसे ही आगे काटते काटते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्या बच करके निकल करके आएगा, 7999, 7999, और ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8001 हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, देखिएगा 8001 कहाँ से आया सर, तो ये भी देख लीजिएगा, तीन का डबल कितना हो गया पांच, पांच का डबल सात, सात और दो नौ, नौ और दो ग्यारह। तो मुझे बताओ, सात तीन बार नौ, यदि मैं दो एड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आठ तीन बार जीरो और एक हो जाएगा, है ना, आठ तीन बार जीरो और एक हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न हमारा क्या निकल करके आया, आंसर क्या निकल करके आया वो देख लीजिएगा। अब जब काटते काटते में आगे तक पहुंचा, है ना, काटते काटते में आगे तक पहुंचा, यहाँ 11/9 था और आगे भी इसी प्रकार, तो 7999 से 7999 चला जाएगा, है ना, 7999 से 7999 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बच करके आएगा, 8001/3, क्योंकि तीन यहाँ था, तीन मैंने यहाँ लिख दिया, आपका आंसर होगा 8001/3, है ना, 8001/3। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ना, आंसर होगा आपका 8001/3, आपका सही जवाब होगा। तो देख लीजिएगा एक बार और, 5/3, 7/5, 9/7, 11/9, आगे भी हम इसी प्रकार से यहाँ डबल करते जाएंगे। जब ये संख्या क्रॉस में कट रही थी तो 7999 भी कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 8001, है ना, 8001, और नीचे कितना बचा 3, तो 8001/3 आपका सही जवाब होगा। डियर फ्रेंड्स, ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लेकर के चलता हूँ आपको अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को जरूर बना पाएंगे और इसका मुझे जवाब दे करके पाएंगे, और ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न भाई आपके सामने है। 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7। अब देखिएगा, यदि मैं इसे सोल्व करूंगा, है ना, यदि मैं इसे सोल्व करूंगा तो भाई इसे क्या लिख सकता हूं मैं, है ना भाई, इसे मैं क्या लिख सकता हूं। तो देखिएगा, यदि मैं 1/3 − 1/4 करूंगा तो क्या यही संख्या निकल करके आ जाएगी क्या मेरे पास, मुझे इतना सा बता दो, क्या यही संख्या निकल, देखिए 4 × 12 = 4 × 12 हो जाएगा, तो क्या यही संख्या निकल करके आ जाएगी क्या, तो बिल्कुल हमारी यही संख्या निकल करके आ जाएगी, है ना, यही संख्या निकल करके आ जाएगी। यदि मैंने इसका टुकड़ा किया, इसको छोटा किया, तो क्या हो गया दोस्तों, 1/3 − 1/4 हो गया, फिर मैंने प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ क्या लिख दिया, 1/4 − 1/5, फिर इसको भी अलग अलग कर लिया तो 1/5 − 1/6, फिर इसको भी अलग अलग किया तो 1/6 − 1/7, आया समझ में। अब देखिएगा, यदि हम इसे काटेंगे ना, यदि हम इसे कैंसिल करना चाहेंगे तो आगे भी इसी प्रकार, है ना, आगे भी इसी प्रकार होगा, और ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, आगे जाकर के 1/999 × 1/1000, है ना, 1/1000। अब काटेंगे तो क्या क्या कटेगा दोस्तों, वो देख लीजिएगा, 1/3 से 1/4 कट जाएगा, −1/5 से + 1/5 कट जाएगा, 1/6 से − 1/6 से + 1/6 कट जाएगा, और फिर −1/7 से, तो इसी प्रकार कटते कटते कहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग, हम लोग पहुंचेंगे दोस्तों 1/999 भी हमारा कट जाएगा। अब देखिएगा, संख्या हमारे पास क्या बची हुई है दोस्तों, तो संख्या बची हुई है 1/3 माइनस का साइन 1/1000, है ना, 1/1000। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000 आ जाएगा एलसीएम हमारा, तो 3 से 3 = 3000, है ना, माइनस, और यहाँ 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1, बचा कितना 3 बचेगा ना, बचा कितना 3, 1000 + 3000 = 3000 और इसे काट देंगे तो 9997/3000 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा,
सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ होगा 997/3000 है ना, 997/3000 आपका सही जवाब होगा। चलिए अब लेकर के चलता हूँ आपको अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को जरूर बना पाएंगे, इसका जवाब मुझे देख करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, काफी अच्छा सा प्रश्न भाई आप सभी लोगों के सामने है, और आशा करता हूं आप इस प्रश्न का मुझे जवाब देकर के बताएंगे कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिएगा प्रश्न काफी अच्छा है, 115 × 115 × 115 − 113 × 113 × 113 बटे का साइन 115 × 115 × 115 × 115 + 115 × 113 + 113 × 113। अब देखिएगा यदि हम इसे सोल्व करते हैं ना, यदि हम इसे सोल्व करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक, कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू जो हो गई ये क्या होगी दोस्तों, ए क्यूब, और यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, बी क्यूब है ना, ये ए क्यूब हो गया और ये बी क्यूब हो गया। अब मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी कोष्टक बन, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं आप जवाब देने की, तो a स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर हो जाएगा प्लस का साइन और b स्क्वायर है ना, प्लस का साइन क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, अपोन क्या करेंगे अपोन में देख लीजिएगा, यहां देखिएगा a इंटू बी, कहने का मतलब ये हुआ a का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का साइन हो गया, फिर क्या हो गया a इंटू बी, फिर क्या हो गया दोस्तों, फिर प्लस का साइन हो गया, और फिर क्या हो गया b स्क्वायर, फिर क्या हो गया दोस्तों b स्क्वायर हो गया। अब मुझे जल्दी से ये बताइएगा, जल्दी से दोस्तों ये बता दीजिएगा कि क्या से क्या कैंसिल हो जाएगा है ना, क्या से क्या कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा अब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किया तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। तो अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से क्या कट जाएगा दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा है ना, यदि हम इस वैल्यू को काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो जो निकल करके आया दोस्तों वो क्या निकल करके आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, क्या निकल करके आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ प्लस का साइन है ना, यहाँ प्लस का साइन है, बिल्कुल सही है, यहाँ क्या आया दोस्तों प्लस का साइन है। चलिए अब जब हमने ये वैल्यू रख दी है तो मुझे ये बताइएगा फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या है दोस्तों 115, माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 113, और यदि 115 में से 113 चला गया तो बचा कितना, 2, करेक्ट आंसर निकल करके आएगा 2, आपका सही जवाब होगा ना, 2 आपका सही जवाब होगा। डियर फ्रेंड्स आप आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा है ना, और काफी हमने जीरो लेवल से सीखा है तो आप बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब देख करके मुझे बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5, और इस प्रश्न का आप सभी लोग मुझे जवाब देकर के बताएंगे कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने किया था, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। चलिए जल्दी से मुझे जवाब देकर के बता दीजिएगा दोस्तों कि सही जवाब क्या होगा आप सभी लोगों का। चलिए अभी हमने जो प्रश्न देखा थोड़ा सा अलग भाई, यहाँ प्लस का साइन है, वहां माइनस का साइन था, तो यहाँ काय का साइन है, प्लस का साइन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एंड में क्या बचकर के निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा बचकर के निकलेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा बच करके निकलेगा, एक मिनट, हमारा लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों, तो लास्ट में हमारा जो बचेगा वो बचेगा ए प्लस बी है ना, क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों ए प्लस बी बचेगा। पिछले साइन में, पिछले क्वेश्चन में जो है माइनस का साइन था, लेकिन यहाँ काय का साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ काय का साइन है दोस्तों प्लस का साइन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा, तो सीधा सा मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ दोनों वैल्यू को, 247 प्लस कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा, 7 × 3 = 10 का 0, हासिल कितना आया 1 × 5 = 9 = 0, 1, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 400 आपका सही जवाब होगा। हो गया ना आसान,
अरे हो गया ना आसान, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हो गया ना आसान भाई। किया कुछ नहीं है, पिछले वाले फॉर्मूले में ही वैल्यू को पुट किया है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ था ए क्यूब प्लस यहाँ था बी क्यूब है ना, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यदि हम खोलेंगे, इसे ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी है ना, क्या हो जाएगा ए प्लस बी। जब वैल्यू कट जाएगी तो बच करके यही निकलेगा ना, ए प्लस बी, और ए प्लस बी को जोड़ दिया तो 247 प्लस 153 क्या होगा 400 आपका सही जवाब होगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया है। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार और देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा और इस प्रश्न का भी आप जरूर मुझे आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, जो प्रश्न पूरा फॉर्मेट आपका वही बन रहा है ना, पूरा फॉर्मेट आपका वही बन रहा है, लेकिन यहां पर जो क्यूब की वैल्यू जो है वो कहां बन रही है, बटे में बन रही है ना। क्यूब की वैल्यू कहां बन रही है दोस्तों, बटे में बन रही है ना। क्यूब की वैल्यू क्या बन रही है, बटे में बन रही है। तो भाई अब क्यूब की वैल्यू जब बटे में हो गई तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, तो एक बटा कितना हो जाएगा 97 प्लस कितना हो जाएगा 94, अरे 97 प्लस कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब इन दोनों को यदि मैंने जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 4 के हो जाएंगे 11 का 1, हासिल कितना 1, 9 और 18 एक 19, 1/191 आपका सही जवाब होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा फॉर्मेट एक ही है, लेकिन मैंने यहां पर आपको प्रश्न को समझाने की कोशिश की है कि यदि प्रश्न ऐसा होता तो क्या होता है ना, प्रश्न ऐसा होता तो क्या होता। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मेट को चेंज किया तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को नीचे लिख दिया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यानी ए प्लस बी को हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी को यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 191, 1/191 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, काफी अच्छा सा प्रश्न है और आशा करता हूं आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देकर के बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डैश 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 10 का स्क्वायर इक्वल 384 हो, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डैश 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 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। काफी अच्छा सा प्रश्न है भाई। अब देखिएगा किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, यहां मुझे ये बताइएगा 1 का डबल कितना हुआ 4, 2 का डबल कितना हुआ 8, 3 का डबल कितना हुआ 6, 4 का डबल कितना हुआ 8 है ना, और यहाँ 10 का डबल कितना हो गया 20 है ना, 10 का डबल कितना हो गया 20। मुझे ये बता दीजिएगा दोस्तों, यदि मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन क्या लूंगा 2 का स्क्वायर है ना, कॉमन क्या लूंगा 2 का स्क्वायर। यदि मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरा दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर। ये मेरा कहां बच गया दोस्तों, अंदर बच गया, क्योंकि वैल्यू डबल हो गई ना, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई डबल हो गई, तो मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। 2 कॉमन नहीं होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन होगा। तो मुझे जल्दी से ये बता दीजिएगा कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू का साइन। अब ये बताओ इस पूरी वैल्यू का मान कितना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस पूरी वैल्यू का मान कितना है 384, और 384 को यदि मैं बाहर निकाल करके लेकर के आऊंगा तो 4 चौके 16 6 हासिल 1, 8 चौक 32 एक 33 3 हासिल कितना 3, 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 1536 आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आप सभी का जवाब यही आया होगा, 1536 आपका सही जवाब होगा। चलिए लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा सा प्रश्न भाई आप लोगों के लिए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 0.007 का स्क्वायर प्लस 0.0008 का स्क्वायर प्लस 0.00047 का स्क्वायर, फिर अपॉन में दे दिया 0.007। अब देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, किस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। तो मुझे ये बताइएगा इस पे पूरी वैल्यू को, अब यहाँ ऊपर व नीचे सेम नहीं है, यदि हम ऊपर व नीचे सेम कर देंगे तो ये संख्या कट जाएगी है ना, ये संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी,
तो ऊपर व नीचे सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो देख लीजिएगा दोस्तों, 0.007 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.0008 का स्क्वायर प्लस फिर मैंने किया 0.00047 का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, अब बटे का साइन। अब जब मैं वैल्यू को सेम करूंगा तो क्या करूंगा दोस्तों, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं यहां से इसे कॉमन लेने के लिए क्या करूंगा, दशमलव में परिवर्तित कर लूंगा। अब मुझे बताओ मैंने यहां पर कॉमन क्या ले लिया, 1/100, है ना, कॉमन क्या ले लिया, 1/100। जब मैंने 1/100 लिया तो वैल्यू क्या हो गई, 0.007 का स्क्वायर प्लस 0.008 का स्क्वायर, है ना, 0.0008 का स्क्वायर, और फिर हो गया मेरा प्लस का साइन 0.0007 का स्क्वायर, है ना, 7 का क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखिएगा जब ऊपर व नीचे वैल्यू सेम है तो ये पूरा कट जाएगा, है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा हुआ दोस्तों, तो 1/100 ये बचा हुआ है। अब मैं 1/100 को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो 100/1 और 100/1 की वैल्यू 100 होगी, तो डियर फ्रेंड्स आपका आंसर निकल करके आएगा 100। आशा करता हूं आपका जो है प्रश्न क्लियर हो गया होगा और आप सभी लोगों का आंसर भी आ गया होगा। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था और आप इस प्रश्न को बना भी पाएंगे। देखिएगा मैंने किया कुछ नहीं है, यहां से इस वैल्यू को सेम करने के लिए मैंने यहां से कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के लिए जब ये पॉइंट हटेगा, इस पॉइंट को यहां लाने के लिए एक तो पॉइंट का जीरो जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो 1/100 मैंने क्या कर लिया था दोस्तों, कॉमन ले लिया था। चलिए आगे लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और आशा करता हूं आप इस प्रश्न का मुझे जरूर सही जवाब देख करके बताएंगे, ठीक है। रूट 1764 का मान है 42 हो तो 0.001764 प्लस 0.0001764 प्लस 0.000। अब यहां करना क्या है भाई, कितनी ही बार जीरो हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे ना। देखिएगा 1764 को यदि बाहर निकाल करके लेकर के आए तो मान कितना हो गया 42। अब इस वैल्यू को बाहर लेकर के आएंगे तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि भाई 42 तो आना है ही सही, है ना, 42 तो आना है ही सही, प्लस का साइन भी आना है, 42 आना है ही सही और प्लस का साइन भी आना है, फिर 42 तो आना है ही सही पर प्लस का साइन भी आना है। अब देखिएगा यहां पर हमें संख्या काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, है ना, 6 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 3। जब यहां 4 का 2 हुआ, यहां 4 डिजिट थी 2 डिजिट में कन्वर्ट हो गई, तो यहां टोटल कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों, 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 डिजिट में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आगे यदि बात करेंगे तो यहाँ टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इन सभी को जोड़ लीजिएगा तो 0.042, है ना, 0.042, फिर मैंने लिखा पॉइंट के नीचे 0.0042, फिर पॉइंट के नीचे 0.0042। अब इन सभी को मैंने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 4, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 4, फिर नीचे हो गया 0. ये आ गया आपका आंसर, क्या आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया आंसर। आशा करता हूं आप सभी का यही आंसर आया होगा और काफी अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हैं, मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है और आशा करता हूं आपको सेशन भी अच्छा लग रहा होगा। शेयर करने में कोई कमी मत छोड़िएगा दोस्तों, ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाए। आपके एक शेयर करने से क्या होता है, तो आपके एक शेयर करने से मेरा उत्साह वर्धन होता है, मैं खुद भी मोटिवेट होता हूं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए भाई अगला प्रश्न रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोगों के सामने, क्या है प्रश्न, काफी अच्छा सा प्रश्न है भाई आप सभी लोगों के सामने, आप इसका जवाब देकर के बताएंगे मुझे कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा प्रश्न अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके जवाब, क्वेश्चन नंबर 10
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 72-25 ये रूट के अंदर है, इसको बाहर लेकर के आए हैं, 85 का स्क्वायर कितना है 72-25 है ना, 85 का स्क्वायर कितना है 72-25, तो हमें पता है कि इन तीनों वैल्यू में 72-25 मतलब 85 तो आना है ही सही है ना, 85 तो आना है ही सही, लेकिन 85 कब कब आएगा ये हमें पता नहीं है ना, ये हमें पता नहीं है, तो सभी में मैंने क्या कर दिया 85-85 तो लिख ही दिया, 85-85 तो मैंने सभी में लिख ही दिया। अब देखिएगा सबसे पहली वैल्यू में यहाँ दो अंक के बाद पॉइंट है ना, दो अंक के बाद पॉइंट है, मैंने क्या बताया था रूट के अंदर यदि चार संख्याएं हैं तो बाहर दो संख्याएं हो जाएगी, अब यहाँ पर दो के बाद में है ना, यहाँ दो के बाद में पॉइंट था तो यहाँ एक के बाद में पॉइंट हो जाएगा, एक के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों पॉइंट हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1, 2, 3, 4 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ दो के बाद में पॉइंट हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद में पॉइंट है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ 4 के बाद में क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लीजिएगा तो मैंने यहाँ क्या किया पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 8, 5 यहाँ लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, यहाँ फिर क्या लिख दिया 8, 5 लिख दिया। अब जोड़ दीजिएगा यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 5, 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, 9.35885 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। हो गया ना आसान मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आप सभी लोगों के लिए होने वाले हैं और आने वाले हैं, तो हर एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी लोगों के सामने रहा और आप इस प्रश्न का जवाब मुझे देकर के बताएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, तो आप इसका जवाब मुझे देकर के बताएंगे। देखिएगा सबसे पहले दिया हुआ है 17 की पावर 1997 प्लस 11 की पावर 1997 प्लस 7 की पावर 199 है ना। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 × 2 = 8 बचा कितना 1, इधर हो गया 19, 4 × 6 = 16 और बचा कितना 16 × 3 = 19, 7 की पावर कितनी होगी दोस्तों 3 हो गया, 11 की पावर 3 हो जाएगा है ना, 11 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा ना, 11 की पावर कितना हो गया 3। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ 11 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 1 से मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक पहले से वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पहले से वैल्यू 7 थी तो मैंने 7 को लिख दिया, यहाँ 1 थी तो 1 को लिख दिया, -7 की पावर 3 हो जाएगा, -7 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा है ना दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि 7 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, 7 की पावर कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। अब 7 की पावर मैंने कितना कर दिया 3 कर दिया तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं ना, तो 7 × 7 × 7 होगा, 7 × 7 × कितना होगा 7 होगा, फिर 1 × 1 × 1 होगा और फिर कितना होगा दोस्तों 7 × 7 × 7 होगा ना, 7 × 7 × 7 होगा। अब देखिएगा 7 × 7 = 49 बचा कितना 9, मतलब इकाई का अंक पहले से वैल्यू कितनी आई 9, 9 × 7 = 63 पहले से वैल्यू कितनी आई 3, प्लस का साइन लगा दिया, 1 की पहले से वैल्यू 1 ही होगी, माइनस का साइन और यहां पहले से वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 9 ही होगी ना। देखिएगा यहां यदि पहले से वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो पहले से वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 ही होगी, जब पहले में पहले से वैल्यू 3 थी, यहाँ 7 में पहले से वैल्यू 3 थी तो यहाँ पहले से वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ 3, 1 - 3, 3 और 1 को जोड़ा 4, 4 - 3 किया तो 4 - 3 इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों 1 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा, 1 क्या होगा दोस्तों आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। चलिए आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इकाई का अंक निकालते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी लोगों के सामने, आशा करता हूं आप इस प्रश्न का जवाब मुझे देकर के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का 15 की पावर 7 मतलब 15 की घात 7 × 8 की घात 5 × 12 की घात 4 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी, यहां पर हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या को बताना है। मुझे बताओ अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ दोस्तों 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया ये सारे क्या है अभाज्य गुणनखंड है, ये सारे क्या है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड है ठीक है। तो अब देखिएगा यहां से 7 की वैल्यू निकालना है,
यहां से क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड की वैल्यू निकालना है। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, 15 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 15 को मैं 3 × 7 लिख सकता हूं, 3 × 5 = 15 क्या लिख सकता हूं, 3 × 5 = 15 लिख सकता हूं मैं, 3 × 5 में लिख सकता हूं 3 × 5 = 15 की पावर 7 मैं ये लिख सकता हूं, है ना। चलिए इंटू 8 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 8 के गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, 2 × 2 × 2 हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 हो जाएंगे कि पावर कितनी है 5 है। फिर इंटू का साइन लगाया, 12 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 12 के कितने होंगे दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 2 × कितना हो जाएगा 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 हो जाएगी। अब देखिएगा यदि मैं इस वैल्यू को बाहर निकाल करके लेकर के आऊंगा तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 7, 5 की पावर 7 × 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5 फिर आगे किया तो 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, यहां पर क्या करना है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करूंगा मैं, पावर को जोड़ दूंगा, है ना, पावर को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो पावर को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 + 7 + 5 + 5 + 5 फिर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 + 4 + 4 यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है, ये प्लस हो गया। अब देखिएगा 4 ये हो जाएगा 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12, 5 + 10 = 15, 7 + 7 = 14, 15 + 12 = 27, 27 + 14 = 41। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 41 आपका सही जवाब होगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने भी यही जवाब दिया होगा। चलिए लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। करना कुछ नहीं था दोस्तों, यहां मैंने टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद इनका जो है पूरा एक्सप्लेन करके आंसर निकाल दिया, 41 आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रहा, दो संख्या का योग 25 है, दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 25 है तथा इनका गुणनफल 156 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, है ना, व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें करना कुछ नहीं था, हमें करना क्या था, सीधा सा आपको नियम पता होना जरूरी है कि व्युत्क्रमों का योग लिख लीजिएगा, आप लोग लिखना चाहें तो व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग बराबर योग बटे गुणनफल, योग बटे क्या होगा दोस्तों गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल योग बटे क्या होगा दोस्तों, योग बटे गुणनफल। और योग किया तो कितना हो गया 25 और गुणनफल कितना किया तो 156, 25/156 आप सभी लोगों का सही जवाब होगा। चलिए आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे प्यारे दोस्तों लेकर के चलता हूं आपको आगे की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं आप सभी लोगों के साथ में, और अच्छे अच्छे व नए नए वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आता रहूं। शेयर कर दीजिएगा ताकि हम एक साथ सभी लोगों तक पहुंच पाएं, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज का लाइव सेशन कैसा रहा, है ना, आज का लाइव सेशन कैसा रहा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जय हिंद, बने रहिएगा शून्य से लेके शिखर तक, धन्यवाद, बाय बाय।